हे स्वामी, आपके पूछे बिना ही मैं कहता हूँ, यदि सेवक समय पर ठिठाई ना करे तो वह सेवक नहीं होता। हे भाई, शीघ्र आज्ञा दो, भरत को अब समझूंगा मैं। अन्याय न्याय पर चढ़ता है, ये कैसे होने दूंगा मैं। वैसे ही दिल जल रहा, मां कैकेयी की करतूतों से क्या दुख है राज छूटने का, पूछे कोई राजपूतों से। हे नाथ, रोकते रहे सदा, पर आज रोकना नहीं मुझे। सौगंध आपको है मेरी, इस समय टोकना नहीं मुझे। यदि पुत्र सुमित्रा का हूं मैं तो उसका गर्व मिटा दूंगा, रघुराय क्षण भर में पृथ्वी पर उसे सुला दूंगा। लक्ष्मण भरत जैसा भाई नहीं है। ब्रह्मा और शंकर का पद पाकर भी उसे मद नहीं हो सकता। भाई नहीं भैया, भाई कैसा भाई, कौन सा भाई। भाई था तब था जब वे निर्मल था, है आज तीन का सांप वो, कभी भुजाओं का बल था। भैया उससे कुछ बैर नहीं, झगड़ा है बुरे विचारों से, विश्व वाले दांत तोड़ दूं, कुछ खौफ नहीं फुंकारों से। इसलिए हाथ में है धनवा, धनवे पर बाण चढ़ रहा, शत्रुओं समझदार रण में लक्ष्मण का क्रोध बढ़ रहा। पृथ्वी हो जाए खंड खंड, विंध्याचल तिल तिल हो जाए, तूफान समुन्दर से उठकर अंबर से जाकर क्यों न टकराए। शंकर भी आकर मदद करे तो शंकर की ही साक्षी है, रण में उसे संघारूंगा जो रघुराय का बैरी है। लक्ष्मण, पहले तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि भरत इतना नीचे गिर जाए, और यदि तुम्हारी बात सत्य भी हुई तो क्या इतनी बड़ी सेना से तुम अकेले लड़ सकते हो। हाँ भैया, अवश्य लड़ सकता हूँ। जब तलक था भरत धर्मवान, तब तक तो ना दबा सकते थे। मैं क्या सौ लक्ष्मण भी उसको रण में ना हरा सकते थे। पर आज अधर्मी हुआ वह, दलबल सारा धर्म का है, इसलिए शत्रुओं का वध एक ही बाण कर सकता है। बस समाधान हो गया नाथ, आज्ञा दो, दिल मचल रहा, अपमानी क्षत्रिय का लहू भीतर ही भीतर उबल रहा। या तो ये बाण शत्रुओं का संहार बाण हो जाएगा, या दास का सेवा में बलिदान प्राण हो जाएगा। मैया राम, भरत वो देखो मेरा भोला भरत, कीचड़ धूल में सना हुआ, नंगे पांव, भैया कहता हुआ ऐसी और आ रहा है। चढ़ाओ धनुष पर बाण, सुमित्रा नंदन चढ़ाओ धनुष पर बाण, वो देखो मेरा भोला भरत। भरत शांत हो जाओ भरत, शांत हो जाओ। भैया मुझे अपने हृदय से मत लगाइए, मुझसे तो बड़ा अपराध हुआ है, मैं बड़ा धम हूं भैया। नहीं पगले, इसमें तुम्हारा क्या दोष, ये तो सब भाग्य की विडंबना थी। नहीं भैया, नीच बुद्धि वाली केकई ने बड़ी ही कुटिलता की, जो आपको वन में भेज दिया भैया। भरत, मेरी माता केकई के लिए ऐसे अपशब्द तुम्हारे मुख से उचित नहीं लगते भैया, नहीं लगते। शांत लो भैया, प्रणाम भैया। नहीं लक्ष्मण, मैं तुम्हारे प्रणाम योग्य नहीं हूं। भैया मुझे क्षमा करें, मैंने अनजाने में आपके ऊपर धनुष और बाण उठा दिया था भैया, मुझे क्षमा करें भैया। तो वो बाण चलाया क्यों नहीं लक्ष्मण? नहीं भैया, पापी का उद्धार हो जाता। भरत, अयोध्या में सब कुशल से तो है, माता पिता गुरु सब कुशल से तो है ना भैया? भैया आपके वनों में आने के पश्चात पिताश्री का स्वर्गवास हो गया भैया। नहीं, पिताश्री पिताश्री
विधाता, हे विधाता, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया जो अंतिम समय में अपने पिता के दर्शन तक ना कर पाया? पिताश्री, दर्शन तक ना कर पाया। पर भैया, पिताश्री, आपसे मिलने गुरुदेव, भैया शत्रुघ्न, सभी माता और प्रजाजन आए हैं। गुरुदेव, प्रणाम। गुरुदेव, कल्याण हो पुत्र। मैं अपने पिता को आपको सौंप कर आया था। मेरे पिताजी कहाँ है गुरुदेव? मेरे पिताजी कहाँ है? पुत्र, आवागमन ही संसार का सदा रहने वाला नियम है। और कहा भी गया है, जातस्य मृत्यु ध्रुवम अस्ति, ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जो इस संसार में आता है पुत्र, उसे एक न एक दिन जाना ही पड़ता है पुत्र। आइए गुरुदेव। गुरुदेव, शत्रुघ्न, शत्रुघ्न, कल्याण हो पुत्र। कल्याण हो पुत्री। प्रणाम माता जी। आइए माँ। प्रणाम माता जी। माँ, माँ मेरे पिताजी नहीं रहे, हम मुझे आप ही की ममता का सहारा है। माँ, मुझे आप ही की ममता का सहारा है। बेटा, बेटा मुझे माफ कर दो, ये सब मेरी ही गलती है। नहीं माँ, नहीं, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, ये तो सब काल का चक्र है माँ, काल का चक्र। आइए माँ। प्रणाम माता जी। आइए माँ। पुत्र राम, हम सब नदी में बहते हुए लकड़ी के टुकड़ों के समान हैं, जो पानी की लहरों के साथ मिलते और बिछड़ते रहते हैं। इसलिए शोक का त्याग कर मरणोपरांत पिता को सदगति पहुंचाना ही पुत्र का कर्तव्य है। इसलिए पवित्र मंदाग्नि के तट पर पिता के लिए तर्पण करो पुत्र। जो आज्ञा गुरुदेव। आओ भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न। पिताजी, आप जिस लोक में भी है, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। पुत्र राम, भरत लाल की विनय सुन लीजिए। हे रघुनंदन, रघुकुल भूषण, रघुपति, रघुनायक, रघुराई, छोटे आरत शरणागत, गहिए यह बहा बड़े भाई। माता से जो अपराध हुआ है, उसका पश्चाताप उन्हें खाए जाते हैं दिन पर दिन, वह पाप और संताप उन्हें। अब उनके जन्म सुधरने का साधन यदि कुछ हो सकता है, तो वह यह है करुणा निधि का करुणाजल मल धो सकता है। जो ज्येष्ठ अवध के राजा है, वे चले अवध का राज करे। शत्रुघ्न सहित हम भाई वन में रहने का काज करे। पर ये अनर्थ पर है अनर्थ, वे
अयोध्या मरती है, करनी है राजा रानी की, फल उसका प्रजा भोगती है। जैसे भी हो, जैसे भी हो, लौटिए अवध, है इतनी टेर भिखारी की, ठाकुर जी के मंदिर तक ही होती है दौड़ पुजारी की, होती है दौड़ पुजारी की। भरत, तुमने जो कुछ कहा बहुत सुंदर कहा, परंतु हम तो माता पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए वनों में आए हैं, फिर मैं क्षमा करूं किसे? माँ को, जो स्वयं निष्कलंकनी है, अपने चारों पुत्रों की वो जगदम्बा जगनी है, फिर वनवास तो हमें अच्छे मार्ग की ओर ले जा रहा है भरत। परंतु भैया, ज्येष्ठ भ्राता के छोटा ना राज कर सकता है, यदि करता है तो है धर्म, ये धर्म शास्त्र की आज्ञा है। जब बात धर्म अधर्म की हो तो कर्मशील क्या कर्म करे? हे भाई, हे भाई, आज्ञा देते हो, ये भाई भरत अधर्म करे? मैं कभी ना दूंगा आज्ञा ये, तुम पाप अनीति अधर्म करो, उपदेश यही होगा मेरा, सत्कर्म करो, सद्धर्म करो, मात पिता की आज्ञा पालन बेटे का धर्म कहलाता है, यदि ये आज्ञा त्यागी जाए तो ये अधर्म हो जाता है। जब बात धर्म अधर्म की हो तो कर्मशील क्या कर्म करे? हे भाई, आज्ञा देते हो कि भाई राम अधर्म करे? गुरुदेव वशिष्ठ श्री रघुनंदन के चरणों में दूत का प्रणाम स्वीकार हो। मैं मिथिलेश्वर महाराज जनक जी का सेवक हूँ। महाराज को यहाँ के सारे समाचार ज्ञात हो गए हैं। अब वह महारानी सहित मंदाकिनी के तट पर पहुँच गए हैं। मुझे पूर्व सूचना देने के लिए आपके पास भेजा है। पुत्र राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, आप जाएं और महाराज को सम्मान पूर्वक ले आएं। गुरुदेव वशिष्ठ के चरणों में प्रणाम। कल्याण हो राजन। गुरुदेव, महाराज दशरथ के स्वर्गवास से अयोध्या के साथ साथ मिथिला भी शोक में डूबी हुई है। पुत्र राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, मुझे दूतों से अयोध्या के सारे समाचार ज्ञात हो गए हैं। पुत्र राम, तुम धन्य हो जो पिता की आज्ञा को मानकर 14 वर्षों के लिए वनों में आ गए। पुत्र भरत, तुम्हारा भात प्रेम अमर रहे। अब महाराज जनक आ गए हैं, हमें पूरी आशा है कि वो सारी स्थिति को संभाल लेंगे। भरत का भ्रात प्रेम और राम का धर्म पालन देखकर हमारा विवेक ज्ञान सब खो गया है। हम स्वयं ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हम क्या करें। दोनों भाई अपने अपने प्रण पर अटल हैं। महाराज, आप मेरे पिता तुल्य हैं, आप ही मेरे धर्म की रक्षा करेंगे। आप जो भी मुझे आज्ञा देंगे मैं पुत्र के रूप में उसका स्वागत करूंगा। आप राजा भी हैं और ऋषि भी। महाराज, मैं भैया राम के राज्याभिषेक की सभी सामग्री अपने साथ लेकर आया हूँ। मेरा इस समय क्या कर्तव्य? जब न्याय मेरे पक्ष में है तो भैया राम के राज्याभिषेक की आप आज्ञा मुझे अभी देंगे। महाराज, मैं अपना भ्रात प्रेम आपके अमृत करता हूं। वस राम, वस भरत, आप दोनों में महान कौन है इसका निर्णय तो स्वयं ब्रह्मा भी नहीं कर सकते। फिर मैं तो एक साधारण मनुष्य हूं, इस दुष्कर निर्णय के लिए मैं अपने आप को
भगवान आशुतोष के चरणों में समर्पित करता हूँ। भगवान जैसा उचित समझें वैसी ही प्रेरणा मुझे दें। पुत्र राम, तो अपने धर्म पर तुम्हारी दृढ़ता को देखकर आज स्वर्ग के देवता भी नतमस्तक हो रहे हैं। धर्म से बढ़कर कुछ नहीं किंतु प्रेम, प्रेम की एक अलग परिभाषा है। फिर वही प्रेम जब अपनी पराकाष्ठा में भक्ति का रूप धारण कर लेता है, उस समय भगवान भी अपने भक्त के आगे हाथ बांधे खड़े रह जाते हैं। इसलिए आज भरत का पलड़ा भारी है। राम, भरत का प्रेम निस्वार्थ और निश्चल है, तुम्हारे प्रेम की जीत हुई भरत। किंतु याद रखना, प्रेम का भी एक नियम है, विधान है। प्रेम की असली शक्ति उसके निस्वार्थ होने में है, और जब वो निस्वार्थ होता है तो वो किसी से कुछ नहीं मांगता, अपितु अपने प्रेमी को कुछ देना चाहता है, उसकी प्रसन्नता और सुख के लिए सब कुछ लुटा देना चाहता है। अब तुम स्वयं ही निर्णय लो कि तुम अपने राम के लिए क्या दे सकते हो। महाराज, प्राणों से बढ़कर कोई चीज नहीं, मैं अपने भैया राम के लिए अपने प्राण दे सकता हूँ। प्राण देना आसान है भरत, किंतु कभी कभी अपने प्रेमी के लिए जीना कठिन हो जाता है। तुम श्री राम के चरणों में बैठकर स्वयं उन्हीं से पूछो कि उनकी प्रसन्नता किसमें है, और जैसा वो कहें उसे ही प्रेम की पूजा समझकर करो। महाराज, अब तक मैं केवल अपना स्वार्थ देख रहा था, आपने मुझे जताया, इसके लिए मैं जन्म जन्मांतर आपका आभारी रहूंगा। भैया भैया आज्ञा दो, मुझे क्या करना है। जीतने वाले नीचे नहीं बैठा करते भरत, जो राज्य तुम मुझे देने आए थे मैं उसे स्वीकार करता हूँ, परंतु पिताजी का वचन झूठा ना हो इसलिए तुम अयोध्या में रहकर राजपाट को देखो। आर्य सुमन, गुरुदेव वशिष्ठ राजपाट को संभालने में तुम्हारी मदद करेंगे। मैं पिता की आज्ञा का पालन कर 14 वर्षों के पश्चात अयोध्या लौट आऊंगा और तुमसे अपना राज्य ले लूंगा। बड़े निर्मोही हो भैया, प्रेम का मोल भी नहीं आका आपने। प्रेम किया है तो बिन मोल बिक जाओ भरत, और अयोध्या को प्रस्थान करो। भैया, यदि जाते समय मैं आपसे कुछ मांगू तो दोगे? तू मेरे प्राण मांग ले भरत। भैया, आप मुझे चरण पादुकाएं दे दें, मैं इनसे अयोध्या की राजगद्दी को सवारूंगा और इनकी प्रेरणा में राज्य संचालन का कार्य करूं। अच्छा भरत। लक्ष्मण जी। भैया, मेरी चरण पादुका लेकर आओ। जो आज्ञा भैया। तुम धन्य हो भरत, तुम्हारी जीत हुई, तुम धन्य हो भरत। कल्याण हो। परंतु भैया, याद रखिएगा, यदि आपने 14 वर्षों के पश्चात एक दिन भी अधिक व्यतीत किया तो इस भरत को जीवित नहीं पाएंगे भैया, जीवित नहीं पाएंगे। नहीं भरत, तुम निश्चिंत रहो, तुम निश्चिंत रहो। Thank you.